नमस्कार। चित्रकूट में हुई गैंगस्टर बार की घटना अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है योगी आदित्यनाथ पर, सवाल खड़ा हो रहा है देश की कानून व्यवस्था पर। जी हां, चित्रकूट जेल में तीन कैदियों की मौत हो जाती है। वो तीन कैदी कोई नॉर्मल कैदी नहीं होते हैं, वे गैंगस्टर होते हैं, जिसमें से नाम एक का है अंशुल दीक्षित। अंशुल दीक्षित के पास हथियार आता है और वो दो गैंगस्टर को मार गिराता है, जान से मार देता है, जिसका नाम एक का है मुकीम काला, दूसरे का नाम है मिराजुद्दीन। दो गैंगस्टरों को अंशुल दीक्षित के द्वारा मार दिया जाता है और इसके बाद पुलिस आती है और फिर अंशुल दीक्षित को भी मार दिया जाता है। आखिर प्रशासन तंत्र होने के बाद, जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी होने के बाद, और इन गैंगस्टरों के पास हथियार कैसे पहुंच जाता है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है, आखिर इस पर सवाल खड़ा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घटना आखिर कैसे हुई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच हुई खूनी संघर्ष में यूपी के तीन बड़े गैंगस्टर मारे गए। अंशु दीक्षित नाम के कैदी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी। बाद में जेल के अंदर डबल मर्डर करने वाले अंशु दीक्षित को पुलिस ने मार गिराया। मारे गए गैंगस्टरों में मिराजुद्दीन का नाम अपराधी यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा माना जाता है। घटना की जांच और स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभारी उप महानिरीक्षक कारागार प्रयागराज रेंज पीएन पांडे चित्रकूट रवाना हो चुके हैं। बता दें कि जेल में मारा गया मुकीम काला वही अपराधी है जिसने एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। ये वही अपराधी है जिसने तंजील अहमद को मारने से पहले प्रैक्टिस के तौर पर लखनऊ के निर्दोष होटलों मैनेजर की गोली मार कर हत्या कर दी थी। योगी राज आते ही अपराधियों में खौफ का ऐसा माहौल पैदा हुआ कि मुकीम ने अदालत के भीतर कहा था कि मुझे जंजीरों से जकड़ दो ताकि पुलिस मेरे इनकाउंटर का कोई बहाना न ढूंढ सके। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का खूंखार अपराधी था जिसने बहुतों के घर उजाड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2012 से 17 के बीच इस खूंखार अपराधी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में जो पलायन की स्थिति पैदा हुई थी उसके लिए यही जिम्मेदार था। वेस्ट यूपी के कैराना में पलायन का मुख्य आरोपी मुकीम काला था। बता दें कि कैराना समेत आसपास के इलाकों में आतंक का पर्याय बना कुख्यात मुकीम उर्फ काला 6 साल पहले अन्य मजदूरों के साथ मकान निर्माण में चिनाई मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। मुकीम काला ने पहली वारदात हरियाणा के पानीपत में एक मकान में डकैती के रूप में अंजाम दी। इस मामले में मुकीम काला जेल गया था। उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मुकीम काला का खौफ वेस्ट यूपी के अलावा हरियाणा के पानीपत और उत्तराखंड के देहरादून में भी फैला है। मुकीम का गैंग पुलिस के रडार में तब आया जब इन्होंने पुलिस पर भी हमले करने शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक दिसंबर 2011 में पुलिस इनकाउंटर में मुस्तफा उर्फ कग्गा मारा गया, जिसके बाद मुस्तकीम काला ने कग्गा के गैंग की बागडोर संभाल कर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। मुकीम काला के गैंग में 1.5 दर्जन से अधिक बदमाश शामिल रहे और उन्होंने ताबड़तोड़ 2 सालों में हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई जघन्य वारदातों को अंजाम दे दिया। मुकीम काला ने अपने साथियों के साथ एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकीम ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। पिछले साल अक्टूबर में पुलिस ने मुकीम काला को उसके साथी साबिर के साथ। तो ये घटना हुई, घटना में 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब ये भी जानकारी आ रही है कि योगी सरकार ने कुछ कड़ा एक्शन लिया है और 2 लोगों को, जो कि वहां जेल के प्रशासन के अधीक्षक थे, उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि योगी सरकार आखिर इस तरीके की कारनामे क्यों कर रही है, सरकार के नुमाइंदे आखिर कर क्या रहे हैं, प्रशासन तंत्र होने के बाद भी ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। तो योगी सरकार क्या दूसरे का कंधा और दूसरे की बंदूक, इस तरीके का काम किया जाता है कि कंधा किसी और का हो और बंदूक किसी और का, और काम को अंजाम दिया जाए और वाहवाही योगी सरकार का हो।